नमस्कार, भारत एट नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल मुकेश चतुर्वेदी। तो आज बात करेंगे महाराष्ट्र की उस सियासत की जो कि पिछले कई दिनों से अलग अलग तरीके से करवट लेती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में कब किस दिन क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने आपको बीते दिनों रिपोर्ट दिखाई है जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों में, कई सालों में, 8 साल का कार्यकाल रहा है केंद्र में मोदी सरकार का, लेकिन 7 बार ऐसा है कि अलग अलग डिफरेंट राज्यों में तस्वीरें जो हैं वो बदलती हुई नजर आई हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी है कि महाराष्ट्र के अंदर अब ऊंट किस करवट पर बैठेगा, क्योंकि वहां पर लगातार स्थितियां जो हैं वो काबू से बाहर आती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे जो हैं वो मौन से रहकर ही सही, लेकिन बीजेपी का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि आप महाविकास अघाड़ी को छोड़ दीजिए क्योंकि हम उसी के खिलाफ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की भी अब कंपनी जो है वो पूरी तरह से इनके खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि महाराष्ट्र की सियासत अब किस ऊंट, महाराष्ट्र की सियासत का जो ऊंट है वो किस ओर करवट लेगा। लेकिन आपको बताएंगे कि आज बड़ी खबरें क्या हैं, आज किस तरीके से हम आपको तमाम उन चीज़ों का विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिरकार इस महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई चीज़ों में आखिरकार क्या क्या अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। इन दिनों मीडिया में असम की बड़ी चर्चा हो रही है। नहीं, बाढ़ और बारिश और त्राहिमाम को लेकर बिल्कुल भी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के सियासी संकट के बागियों के जलवे को लेकर। शिवसेना के विधायकों पर पैसा पानी की तरह बहाए जाने का आरोप लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना फंड आ कहां से रहा है। बागियों को पटाने वाली और सरकारें गिराने वाली इस स्कीम पर आज आपकी आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। टेंशन में पार्टी, विधायकों के मजे, शिवसेना के बागी बीजेपी के दोस्त, पार्टी के खिलाफ बीजेपी के साथ, इस महंगे होटल का किराया कौन दे रहा है, बागियों की फंडिंग जबरदस्त, उद्धव पड़े पस्त, महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल बचा पड़ा है। शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे की नाराजगी का नुकसान उद्धव को हुआ, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसे इसका खूब फायदा मिल रहा है। ये हम नहीं बल्कि खुद एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। बदले में शिंदे को वो सपोर्ट भी कर रहे हैं जिसे जरा आपको भी सुन लेना चाहिए कि आखिरकार एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। एकजुटी ने नेशनल पार्टी है, ते महाशक्ती है, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान मध्ये काय परिस्थिती होती माहित नाही, तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे, तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे हा देशातला त्याच्यामागे आमची पुरी शक्ती आहे, असंही काही लागलं तर कधी कमी पडणार नाही। यानी सवाल ये कि एकनाथ का नाथ कौन है। वैसे तो सबका मालिक एक है, मगर इस बागियों का मालिक कौन है। तो सुना आपने कि एकनाथ शिंदे जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं उसको इशारों में अभी तक आप सभी ने समझ ही लिया होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के बागी नेता गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में ही डेरा जमाए हुए हैं। इन बागी नेताओं पर पकड़ बनाए रखने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। सुनकर चौंकेगा नहीं कि जिस होटल में सिर्फ एक कप चाय पीना ही कई लोगों का सपना होता है, वहां इन विधायकों की एक हफ्ते की बुकिंग है। जरा नजर डालते हैं इन विधायकों के लग्जरी स्टे पर। बागियों पर धन वर्षा, किससे लिया कर्जा, सूरत टू गुवाहाटी विधायकों की एयर लिफ्टिंग, 8 सीटर हॉकर 800 XP का किराया पड़ा भारी, 60 से 65 लाख की लागत में बागियों की सवारी, हवाई अड्डे से 3 लग्जरी बसों में पहुंचे होटल, उद्धव सरकार पर संकट का प्लान टोटल, रेडिसन ब्लू होटल में 70 कमरे हुए बुक, सियासी संकट की खिचड़ी हुई कुक, लग्जरी रूम का किराया पड़ा 56 लाख, बीजेपी नेताओं की होटल में हुई बात, अनुमानित खर्चा 8 लाख रुपए रोजाना, सुविधा समेत 1.12 करोड़ रुपए का पड़ा खर्चा, शिंदे के 40 समर्थकों की वाली फोटो पर चर्चा। तो सुना आपने कि जिस लग्जरी होटल में लोगों के लिए एक कप चाय पीना ही बड़ा मुश्किल साबित होता है, लोगों का सपना होता है, लेकिन वहां पर ये विधायक किस तरह से डेरा जमाए हुए हैं और सरकार को गिराने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम लोगों के लिए भी एक होटल में रुकना मुसीबत का सबब बनता है,
वहां पर अब इन विधायकों का आखिरकार खर्च कौन उठा रहा है, ये खुद में एक बड़ा सवाल है, सोचिएगा जरूर। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपको हमने दिखाया कि किस तरह से लगातार सरकार की तरफ से एक खास खेमे को सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये आरोप भी लग रहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जो है वो महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो समर्थन से शिंदे गुट जो एकजुट हो चुका है वो वहां पर एक तरफ ऐश फरमाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इन प्राइवेट जेट का किराया कितना आता है, क्या कभी कोई आम शख्स भी इनकी सवारी करने में सोच सकता है, क्या वो ये सोच सकता है कि वो इन सब की सवारी कर सकता है। चार्टर्ड प्लेन के मेन्यू कार्ड को एक्सप्लेन करती हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। कितनी महंगी है चार्टर्ड प्लेन की यात्रा, प्राइवेट जेट में यात्रा कितना होगा खर्चा, चार्टर्ड प्लेन में सफर का प्लान कैसे बनेगा, विधायकों को इतनी महंगी यात्रा कैसे उपलब्ध है, हवाई यात्रा पर हवा हवाई नहीं, पूरी सच्ची रिपोर्ट देखिए। उद्धव ठाकरे की सरकार की हवा निकालने वाले बागी एकनाथ शिंदे की हवाई यात्रा के खूब चर्चे हो रहे हैं। शिंदे 40 से ज्यादा विधायकों के साथ चार्टर्ड प्लेन से गुवाहाटी पहुंच गए, लेकिन असम के मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है। चौंके मत, ये तो उन्होंने खुद ही कहा है। सुनिए सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। कम मुँह से सुना कि और पहुंच रहा है, तो और भी पूरा देश का जितना विधायक गण है सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, असम में आइए। वो कह रहे हैं कि आप अगर खुद मुख्यमंत्री, आपको कोलिशन का धर्म आपको फेडरल सेक्टर समझना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अरे भाई, मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा और मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और आसाम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। मेरा पता नहीं है, लेकिन आसाम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए आसाम। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे? आप भी वेकेशन में आइए आसाम। तो हेमंता बिस्वा सरमा को पता नहीं चला कि उनके ही राज्य में जब बाढ़ और बारिश से बुरी तरह से हालात बिगड़े हुए हैं, तब इतने सारे विधायक वो भी किसी दूसरे राज्य के राजधानी के आलीशान होटल में डेरा डाले हुए हैं। खैर, जिस तरह से ये विधायक वहां पर पहुंचे हैं, सवाल ये है कि क्या आम लोग भी इस प्राइवेट आलीशान हवाई यात्रा का सफर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो जरा नजर डालते हैं कि आखिर कैसे। प्राइवेट जेट की यात्रा का मेन्यू कार्ड भी देखते हैं। चार्टर्ड विमानों में हवाई यात्रा पर इतना खर्चा, एक चार्टर्ड विमान में 8 सीटर प्राइवेट जेट होता है, 180 सीटों वाली एयरलाइनर की भी जगह होती है। चार्टर्ड फ्लाइट के लिए कोई स्केड्यूल तय नहीं होता। किराए पर जेट की कीमत पड़ती है 1.5 लाख रुपए प्रति घंटा। मुंबई से दिल्ली के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का सफर हो जाता है। 8 सीटों वाला विमान हॉकर है 800 XP का खर्चा 35 लाख रुपए पहुंचता है। ये कीमत सूरत से लेकर गुवाहाटी के सफर के लिए तय हुई थी। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान में एकनाथ शिंदे ने सफर किया था। गुवाहाटी तक के लिए इसका किराया 60 से 65 लाख रुपए का पड़ा। इस किराए में 18% GST भी अलग से जुड़ा है। तो देखा आपने, 10 लाख में कम से कम शुरुआत और विधायकों का सफर तो 60 से 65 लाख तक पहुंच गया। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो मरते दम तक भी इतना पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन सत्ता पलट के लिए खर्चे को देखकर आंखें नम और कान खड़े जरूर होते हैं, सोचिएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरह से बागियों को पटाने के लिए हर तरीके की सियासत का इस्तेमाल किया जाता है और जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि इस सबका सूत्रधार कौन है। वैसे आरोप बीजेपी पर लगता है, लेकिन आंकड़ा क्या कहता है जरा आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि आंकड़े कई चीजों को बयां करते हैं, कई हालातों का दर्शाते हैं। साथ ही साथ पिछले 8 साल का आंकड़ा क्या कुछ कहता था, ये तो हमने आपको पहले ही नजर करवा दिया था, लेकिन अब आंकड़ा क्या कहता है, बागियों की पहली पसंद क्या है, ये भी जरा देख लीजिए। बागियों को फंसाया, किसने जाल बिछाया, शिवसेना के नेताओं पर बीजेपी का कंट्रोल, सरकार को अस्थिर करने की फंडिंग कैसे,
क्या बागियों की पसंद बन गई है बीजेपी? पहले उत्तराखंड, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और अब महाराष्ट्र। कई सरकारें गई तो कई सरकारें बच गई, मगर विधायकों की बगावत की पटकथा जारी है। पिछले 8 साल में 7 बार ऐसी सियासी पिक्चर को देश ने देखा, लेकिन इस सब में बीजेपी का क्या रोल है? ये खुद में ही एक बड़ा सवाल है। आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी को इस दल बदल की सियासत से सबसे ज्यादा फायदा होता है। संजय राउत ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि केंद्रीय मंत्री ने शरद पवार को धमकी दी है कि इस मामले में अगर कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा। जरा सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। संजय राउत ने वैसे तो बड़े ही संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट का जिक्र किया जाना भी जरूरी हो जाता है, जिसके हिसाब से बागियों की पहली पसंद बीजेपी होती है। तो क्या है ये सच, आंकड़ों की मदद से समझते हैं। बीजेपी को बागी पसंद है। एडीआर की 2016 से लेकर 2020 की रिपोर्ट पे ये खुलासा हुआ था कि 5 सालों में 405 विधायकों ने अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया, जिसके बाद 182 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा। करीब 45% बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बगावत से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 170 विधायकों ने पार्टी को अलविदा कह दिया। बीजेपी ने भी 18 विधायकों को खोया। कांग्रेस में सिर्फ 38 विधायकों की एंट्री हुई। 357 विधायकों ने दोबारा चुनाव लड़ा, ये रिपोर्ट कहती है। 170 विधायकों की इस दौरान जीत हुई और 48 की उपचुनाव में जीत हुई। आंकड़ों की माने तो बागियों की पहली पसंद बीजेपी है, तो वही कांग्रेस इस मामले में दूसरे पायदान पर खड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने बागियों को पार्टी में जगह दी जा रही है, तो इससे क्या पुराने नेताओं पर भी कोई असर पड़ेगा, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के सियासी भूचाल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही सवाल ये भी कि जिस कांग्रेस मुक्त भारत का जिक्र बीजेपी करती थी, वो क्या कांग्रेस युक्त भाजपा नजर नहीं आ रहा? कई ऐसे राज्य हैं जहां के विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मगर वो ही विधायक जब बागी होकर बीजेपी के पाले में आए तो वह बीजेपी के प्यारे हो गए। इन्हें बीजेपी ने अपनी सरकार बनने पर मंत्री तक बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया की नजर बनी हुई है, क्या कुछ होगा उससे जुड़ी हुई बहुत तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कई तरीके की चीजें निकलकर सामने आई है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, उसको भी हमने आपको डिकोड करके बताया। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।